Welcome guys, welcome to Palak Notes. कैसे हो सारे? आज हम बात करेंगे किडनी की. अभी के अभी आप वीडियो बंद कर दोगे. मुझे क्यों जानना है किडनी के बारे में? आपको पता है यूट्यूब हमें स्टैटिस्टिक्स दिखाता है कि कितने लोगों ने मेरा पूरा वीडियो देखा और कितने लोगों ने 2-3 मिनट बाद बंद कर दिया. जब तक मैं ब्यूटी की बात कर रही हूँ, वेट लॉस की बात कर रही हूँ, स्किन की बात कर रही हूँ, वीडियो सारी औरतें सारा देखती हैं, बट जहां मैं ऑर्गन्स की बात करती हूँ वहां पे सिर्फ 1% लोग हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं. बाकी लोग 1 मिनट बाद वीडियो बंद करके चले जाते हैं. अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. आप अपनी जिंदगी के ये 7-8 मिनट मुझे दे दो, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो आनी है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक होता है, कोई ना कोई आर्टरी ब्लॉक होती है, स्टंट डल जाता है, पर किडनी जो कि 7 लोगों में से हर एक इंसान की कॉम्प्रोमाइज है, वो कोई साइन नहीं देती है, बस किडनी खराब हो जाती है, तो तब आपको ये वीडियो काम आएगा. तो अगर आप आज का मेरा ये पूरा वीडियो देखते हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप उन 1% लोगों में से हो जो सच में जिनके लिए चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने लिए नहीं, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए. सो गाइज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ किडनी. किडनी को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं हम क्या खाते हैं. हम 3 ही चीजें खाते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, या फैट्स होते हैं, या प्रोटीन होती है. अभी जो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनकी जब डाइजेशन होती है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, फैट हमारे हार्मोन्स बनाता है, बट इनकी जो नेचुरल डाइजेशन है उसके कुछ साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं जो कि आपकी बॉडी को हैंडल करने पड़ते हैं. जैसे कि कार्ब्स एंड फैट्स की डाइजेशन पे निकलता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हैंडल करना है, बट प्रोटीन का जो डाइजेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों ये मैं समझा रही हूँ डाइजेशन, जब किडनी खराब होती है या किडनी कॉम्प्रोमाइज होती है, डॉक्टर क्या कहता है, डाइट में प्रोटीन कम करो, क्योंकि प्रोटीन की डाइजेशन के लिए वहां पे किडनी का काम आता है. प्रोटीन क्या है? जैसे हमने प्रोटीन खाया, अंडा खाया, दाल खाई, दाल में प्रोटीन थी, आपकी बॉडी प्रोटीन को प्रोटीन की तरह नहीं जानता है, एमिनो एसिड्स की तरह जानता है. एमिनो एसिड्स कन्वर्ट होते हैं अमोनिया में आपके लिवर में. और जो ये अमोनिया है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बना होता है, और नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है. लिवर कहता है भैया मैंने अपना काम कर दिया, अब ये जो मैंने नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अमोनिया प्रोड्यूस किया है, ये मैं ब्लड के अंदर फेंक देता हूँ, दिस इज नॉट माय प्रॉब्लम. वो किसकी प्रॉब्लम है? किडनी की. किडनी ने ये टॉक्सिक नाइट्रोजन आपकी बॉडी से बाहर निकालना है. इसीलिए जब आप किडनी का टेस्ट कराने जाते हो, डॉक्टर क्या टेस्ट करते हैं? BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. नाइट्रोजन क्या है? टॉक्सिक है. नाइट्रोजन कहां से आया? डाइट से आया. और नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब हो सकता है, विच इज सो टॉक्सिक. किडनी का काम है इसको बाहर निकालना आपके शरीर से, ये टॉक्सिक मटेरियल है. अच्छा, डॉक्टर दूसरा टेस्ट क्या करता है? आपके क्रिएटिनिन लेवल्स. क्रिएटिनिन्स हमारे डाइट से नहीं आते हैं, बट क्रिएटिनिन्स आते हैं हमारी मसल मेटाबॉलिज्म से. मैं क्या करती हूँ? एक्सरसाइज कराती हूँ, मसल मेटाबोलाइज होती रहती है, मसल स्ट्रांग होती रहती है. कैसे? एक्सरसाइज करके, प्रोटीन खा के. और मसल वीक भी होती रहती है, मसल मेटाबोलाइज होती है. जो मसल का मेटाबॉलिज्म है उसका एक बाय प्रोडक्ट है आपके क्रिएटिनिन लेवल्स. जो क्रिएटिनिन है ये आपकी बॉडी के अंदर रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है? तो अगर आपने ये देखना है आपकी किडनी कितने अच्छे से काम कर रही है, एक्चुअली बन इज नॉट सो रिलायबल, आपको क्रिएटिनिन लेवल्स पे जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि बन दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा. मतलब आपने थोड़ी देर पहले प्रोटीन खाया है तो ये लेवल चेंज हो जाएगा. आप टेस्ट कराने गए, आपने थोड़े टाइम से प्रोटीन नहीं खाया है, ये लेवल चेंज हो जाएगा. ये बढ़ता रहता है, कम होता रहता है, बढ़ता रहता है, कम होता रहता है. बट जो क्रिएटिनिन लेवल्स है, क्योंकि मसल तो बॉडी के अंदर रहते ही है, ये खाने से नहीं आते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप बॉडी बिल्डर हो और केराटिन पाउडर लेते हो. बट हम लोग बॉडी बिल्डर नहीं, हम लोग केराटिन्स नहीं लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट प्रोसीजर है. तो ये ज्यादा अच्छा टेस्ट है अगर आपने ये देखना है कि आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज है या नहीं है. तो जब आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़े हुए होते हैं, मतलब किडनी अपना काम नहीं कर पा रही है अच्छे से. किडनी का क्या काम है आपके शरीर में?
किडनी का काम है इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, मतलब कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तभी जब आपकी किडनी खराब होती है, डॉक्टर क्या कहता है, अपना नमक कम करो, क्योंकि नमक क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, पानी को होल्ड करता है। और जिनकी किडनी खराब होती है उनकी बॉडी वाटर को रिटेन करती है, उनको एडिमा हो जाता है, इतने इतने हाथी जैसे पैर हो जाते हैं। आप पैर को टच करोगे ना, उंगली अंदर घुस जाएगी, क्योंकि उसके अंदर पानी है। आंखों के नीचे वाटर बैग्स, ऐसे शरीर फूला सा लगता है, इंसान कुछ खा भी नहीं रहा ज्यादा। वो फैट नहीं है, आपकी बॉडी ने पानी को होल्ड किया हुआ है, आपकी किडनी ने सॉल्ट को होल्ड किया हुआ है। आप इन लोगों का यूरिन टेस्ट करोगे, उस यूरिन में सॉल्ट कम आता है, क्योंकि किडनी सॉल्ट को होल्ड कर रही है। क्यों होल्ड कर रही है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो गया है। ये पहला काम है आपका किडनी में। जब आपके लेवल्स बढ़े हुए आएंगे, आपको डॉक्टर क्या कहेगा कि कम नमक खाओ। इनफैक्ट रिसर्चर्स ने ये देखा, जब किडनी के पेशेंट्स को, जिनका डायलिसिस चल रहा था, उनको दवाई के साथ, ACE इनहिबिटर्स के साथ, जब उनको कम सॉल्ट दिया, उनका ब्लड में यूरिया, नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन लेवल कम हुए।